शिक्षक साथियों नमस्कार, मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने से संबंधित है। सभी शिक्षक साथियों को ज्ञात है कि कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सभी घटक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, जिसमें सभी प्रतिनिधियों का मानना है कि कल की बैठक संबंधित मुद्दे पर सार्थक रही है, अर्थात सकारात्मक वार्ता हुई है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि मैं इस मुद्दे पर विमर्श करूंगा कि किस प्रकार से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए ताकि कोई कानूनी अड़चन न आए। एक बात तो है कि देर सवेर सभी नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलना तय है, क्योंकि शिक्षक नेताओं का भी कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ शिक्षकों के पक्ष में कभी भी पहले ऐसी सकारात्मक वार्ता नहीं हुई है। अब मुख्य रूप से दो ही समाधान नज़र आता है जो कि चर्चा में है। पहला, वरीयता क्रम के अनुसार, अर्थात जो शिक्षक 5 अथवा 10 साल शिक्षण कार्य कर चुके हैं उन्हें प्रोन्नति के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, अथवा एक विभागीय परीक्षा ली जाए जिसमें सभी नियोजित शिक्षक अनिवार्य रूप से भाग लें और 2 या 3 अटेम्प्ट में वे परीक्षा पास करें। आइए इसी से संबंधित एक वीडियो का अवलोकन करते हैं। काफ़ी पॉजिटिव हम लोग हैं और जितने तर्क हम लोग शुरुआत से दे रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक बार और मेरी लंबी बातचीत हुई थी शुरुआत में जब ये कानून ये नियमावली आई थी तब, और कल भी हम लोगों ने ये बात दोहराया कि आप जो 1,70,000 सीट लाए हैं वो सिर्फ नए अभ्यर्थियों के लिए रखिए, तभी वो रोज़गार कहला पाएगा। और चूंकि सरकार का वायदा भी है कि हम 10 लाख रोज़गार पूरा करेंगे बिहार में, तो और एक राष्ट्रीय मैसेज जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये हमने उनको कन्वे किया कि एक ऐसे दौर में जहाँ पे केंद्र सरकार की नीतियों के चलते सारी जो सरकारी नौकरियां हैं वो ठेके पट्टे पर शिफ्ट हो रही है, आउटसोर्सिंग कंपनियों को लाया जा रहा है, वैसे में आप बिहार के अंदर 4 लाख नियोजित शिक्षकों को अगर परमानेंट करेंगे, राज्यकर्मी बनाएंगे, तो ये एक राष्ट्रीय मैसेज जाएगा और इस दौर में ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कन्विंस हुए, सरकार का बोली कि हाँ ये बहुत पॉजिटिव बात आप लोग कह रहे हैं, तो सब कुछ पॉजिटिव रहा, हमें लगता है कि उसी दिशा में सरकार बढ़ेगी। अभी एक बैठक हम लोग और करेंगे, ऑफिशियल बैठक बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा, जिसमें करीब करीब 16-17 शिक्षक संगठन एक साथ हैं हम लोग, तो हम लोग एक बैठक करके एक रणनीति बनाएंगे। और निश्चित तौर से अभी तो आंदोलन करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका फैसला ऑफिशियली होकर के आए, अगर पॉजिटिव आएगा तो हम लोग निश्चित तौर से इसका वेलकम कर रहे हैं। सत्ताधारी दल के माननीय विधायक हमारे घर पधारे और हमारी जो मांगे थी उसको जोरदार ढंग से इस तरह प्रभावशाली ढंग से रखा माननीय मुख्यमंत्री के सामने कि उनको सकारात्मक रुख जो इतने दिनों तक का गतिरोध था उसको इन लोगों ने आज स्वसम्मान तोड़ने का सफल प्रयास कि शेष जो हमारी मांगे हैं दमनात्मक कार्रवाई की वापसी और विस्तार से हम लोगों के साथ जो बैठक की आयोजित की जाएगी। धान में तो सकारात्मक कदम बढ़ा है, अभी पूरा रिजल्ट जब निकलेगा तब कहेंगे कि मंत्रिमंडल की बैठक में क्या संलेख जाता है, लेकिन सकारात्मक कदम पहली बैठक में आ जाए माननीय मुख्यमंत्री का, यह अपने आप में एक पहली विजय हम लोग निश्चित हम लोगों का राजकर्म। हमने जो सरकारीकरण किया सभी हाई स्कूल को करो सरकारी, उसमें 15 वर्षों की लड़ाई लड़ी। अभी तो हमने सीतामढ़ी सम्मेलन में इस प्रस्ताव को पास किया, साल अब पूरा होने जा रहा है, इसी में महागठबंधन ने इतना समर्थन किया। महागठबंधन के लोगों की सहमति जब तक उनको नहीं मिलेगी तब तक माननीय नीतीश कुमार एक कदम बढ़ ही नहीं सकते हैं, जो उनकी राजनीतिक और पूरे महागठबंधन लोगों की राजनीतिक व्यवस्था है और आज के समय की मांग है। ये महागठबंधन के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा ये जो नियोजित शिक्षक हैं 4.5 लाख, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षक रहे कि माध्यमिक, सबों को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से मुक्त कीजिए।